फोन बंद करो ना यार। सॉरी कम अगेन, कौन से लोग हैं? आई थिंक सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं। अगर लॉकडाउन की बात करूं तो ऐसे लोग ने भी बहुत इन्फ्लुएंस किया है जो शायद इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं थे, जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे घर से बाहर निकल के बहुत सारे बाकी लोगों के लिए, डॉग्स के लिए खाने बनवाए हैं, लंगर जैसा ऑलमोस्ट लगाया है, बट कोई उनको पहचानता नहीं है। दोज अननोन हीरोज़ जो एक्चुअली वर्ल्ड इन्फ्लुएंसर्स, दैट्स व्हाट आई लाइक टू कॉल देम, यू नो। बाकी सब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना इज़ वेरी ग्लॉसी, वो मैं शायद अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उस पर ज़्यादा काम करूँ, बट जो लोग सोसाइटी के लिए काम करते हैं, जो लोग दे आर द इन्फ्लुएंसर्स, उनसे सीखने का ज़्यादा ज़रूरत है। उन सारे नामों की बात करो, अपना नाम लाइक अबुल रो लाइव वीडियोस में जब भी आप आते हो फेसबुक लाइव, पीपल रियली लव यू व्हाइल यू कम लाइव, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? लाइक आई सेड, वो मेरा काम है, इट्स अ पार्ट ऑफ बींग एन एक्टर कि आप सोशल मीडिया के थ्रू आपके फैंस के साथ, लोगों के साथ कनेक्टेड रहें, उनको बताते रहें क्या चल रहा है, बट आई डोंट थिंक दैट मेक्स मी अ हीरो इन एनी विच वेज, क्योंकि वो मैं सेल्फिशली अपने लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, नंबर्स के लिए, और येस कई बार ऐसा भी हुआ है लाइफ में, बिकॉज यू नो अबाउट माई लाइफ, अपनी बात आगे बताने के लिए, किसी को इंस्पायर करने के लिए भी कुछ, यू नो माई लाइफ हैज़ बीन सच, तो वो मोमेंट्स भी आए, सो येस इट्स अ ब्लेसिंग, बट आई स्टिल फील देयर बिगर हीरोज दैट लिव इन अ सोसाइटी जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। हाँ, आई एम रियली एक्साइटेड, ये साल बहुत ही अच्छा जा रहा है, टचवुड। देयर आर टू एमएक्स की सीरीज़ है, एक हॉट स्टार की है विच आई जस्ट शॉट फॉर, देयर इज समथिंग फॉर नेटफ्लिक्स विच वी हैव शॉट जो अगले साल आएगी, सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क हैपनिंग, अ लॉट ऑफ गुड वर्क हैपनिंग, एंड मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि जब वेब सीरीज नया नया आया था ना, सो देयर वाज दिस वेव ऑफ बोल्ड, अब लोग थक चुके हैं, नाउ इट्स लाइक कॉन्टेंट। आई थिंक स्कैम, पंचायत, दीज वर यू नो सीरीज दैट टोल्ड दैट कि बॉस पब्लिक जो है दे वॉन्ट गुड कॉन्टेंट, दे डोंट, इट्स नॉट स्लीज, इट्स नॉट स्किन शो, नथिंग, कहानी। आई थिंक कि पहले क्या था ना, क्रिएटिव फ्रीडम लोगों को थी नहीं, बिकॉज सेंसरशिप वॉज देयर, टी वी में वैसा कॉन्टेंट चलता ही नहीं था, सो वैन वेब सीरीज़ नया वेव आया तो फिल्म मेकर्स हु आर डाइंग टू टेल स्टोरीज जो वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं उनके साथ कम्पीट करना चाहते हैं, एंड देन लाइक हेलो हमारा ये कट जाएगा, अच्छा ये शूट भी ये करते थे, अरे नहीं ये कट जाएगा, शूट करें नहीं करें, सो दे कुड नेवर टेल देयर स्टोरीज देयर वे, तो उनको जो क्रिएटिव फ्रीडम मिला दे वेंट ऑल आउट कि दिल की भड़ास जैसे निकाल लो और जैसा शूट करना है, जैसे माइंड में विजुअलाइज किया है, नो कॉम्प्रोमाइज, शूट इट लाइक दैट। बट अब मुझे लगता है कि उनका भी पेट भर गया है कि हाँ यार हो गया, अभी व्हाट नेक्स्ट, एंड अगेन सल्यूट टू द ऑडियंसेस, बिकॉज If you don't like such, you know, Gandhi Baat was such a success because people liked it. And if 100 other makers after that were making series like Gandhi Baat, is because it did such roaring business. So when logon ka taste change hoga,
कंटेंट जो बना रहे हैं वो डिफरेंट सर्व करेंगे. सो इट इज़ डिमांड एंड सप्लाई. सो वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग डिफरेंट कंटेंट जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं सिर्फ कहानी है, तो वैसे ही कंटेंट और बनेगा. सो वही स्टेज पे हे भगवान, मैंने नहीं देखी है. कुछ आपने ये फिल्म देखी है, लोग काफी पसंद कर रहे हैं, अर्जुन कपूर हो, एकता मैम की काफी तारीफ हो रही है, क्या कहना चाहोगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैंने ट्रेलर्स देखे हैं एंड अर्जुन कपूर इज लुकिंग हॉट. गाने बहुत अच्छे हैं. दिशा की भी काफी बात हो रही है, जॉन सर. मैं इतना ही बोल पाऊंगी दैट पूरे ट्रेलर में सोचो मुझे एक ही इंसान रजिस्टर हुआ एंड दैट वाज अर्जुन कपूर. ही इज़ लुकिंग सो गुड एंड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम ही इज़ डन अ फिल्म. दिशा ने काफ़ी फिल्में बीच में की हैं बट अर्जुन बहुत टाइम के बाद मैंने उनको देखा एंड ही डिजर्व्स अ मेंशन. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. Yeah, I think Influencer Award is amazing because it gets you get to appreciate the effort that the influencers put, and I think it's lovely to celebrate that. Yeah. Yes, for fashion model. So I'm super excited. What do you want to say? Yeah, I'm really excited to be considered and to get the award for fashion model. So I'm really looking forward to today. Yeah, so yesterday I just got back from Varanasi. I wrapped up my song shoot with Javed Ali, which should be coming out in 2 weeks' time. Thank you so much. Thank you. Thank you. सॉरी कम अगेन, कौन से लोग हैं? आई थिंक सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं. अगर लॉकडाउन की बात करूँ तो ऐसे लोग ने भी बहुत इन्फ्लुएंस किया है जो शायद इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं थे, जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे घर से बाहर निकल के बहुत सारे बाकी लोगों के लिए, डॉग्स के लिए खाने बनवाए हैं, लंगर जैसा ऑलमोस्ट लगाया है, बट कोई उनको पहचानता नहीं है. दोज अननोन हीरोज़ जो एक्चुअली वर्ल्ड इन्फ्लुएंसर्स, दैट्स व्हाट आई लाइक टू कॉल देम. यू नो, बाकी सब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना इज़ वेरी ग्लॉसी. वो मैं शायद अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उस पर ज़्यादा काम करूँ, बट जो लोग सोसाइटी के लिए काम करते हैं, जो लोग दे आर द इन्फ्लुएंसर्स, उनसे सीखने का ज़्यादा ज़रूरत है. लाइक आई सेड, वो मेरा काम है, इट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग एन एक्टर कि आप सोशल मीडिया के थ्रू आपके फैंस के साथ, लोगों के साथ कनेक्टेड रहें, उनको बताते रहें क्या चल रहा है. बट आई डोंट थिंक दैट मेक्स मी अ हीरो इन एनी विच वेज, क्योंकि वो मैं सेल्फिशली अपने लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, नंबर्स के लिए. और यस, कई बार ऐसा भी हुआ है लाइफ में, बिकॉज यू नो अबाउट माई लाइफ, अपनी बात आगे बताने के लिए, किसी को इंस्पायर करने के लिए भी कुछ, यू नो माई लाइफ हैज़ बीन सच, तो वो मोमेंट्स भी आए. सो यस, इट्स अ ब्लेसिंग. But I still feel there are bigger heroes that live in our society जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है. हाँ, I'm really excited. ये साल बहुत ही अच्छा जा रहा है, touchwood. There are two MX की सीरीज़ हैं, एक Hotstar की है which I just shot for. There's something for Netflix which we have shot जो अगले साल आएगी. So there's a lot of work happening, a lot of good work happening. And मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि जब वेब सीरीज़ नया नया आया था ना, so there was this wave of बोल्ड, अब लोग थक चुके हैं. नाउ इट्स लाइक कॉन्टेंट. आई थिंक स्कैम, पंचायत, दीज व यू नो सीरीज दैट टोल्ड दैट कि बॉस पब्लिक जो है दे वॉन्ट गुड कॉन्टेंट. दे डोंट, इट्स नॉट स्लीज, इट्स नॉट स्किन शो, नथिंग, कहानी. यस, आई थिंक ये पहले क्या था ना, क्रिएटिव फ्रीडम लोगों को थी नहीं, बिकॉज सेंसरशिप वॉज देयर, टीवी में वैसा कॉन्टेंट चलता ही नहीं था. सो वेन वेब सीरीज नया वेव आया तो फिल्म मेकर्स हुआ डाइंग टू टेल स्टोरीज जो वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं उनके साथ कम्पीट करना चाहते हैं, एंड देन दे लाइक हेलो,
हमारा ये कट जाएगा, अच्छा ये शूट भी ये करते थे, अरे नहीं ये कट जाएगा, शूट करे नहीं करे, सो दे कुड नेवर टेल देयर स्टोरीज देयर वे. तो उनको जो क्रिएटिव फ्रीडम मिला दे वेंट ऑल आउट कि दिल की भड़ास जैसे निकाल लो और जैसा शूट करना है, जैसे माइंड में विजुअलाइज किया, नो कॉम्प्रोमाइज, शूट इट लाइक दैट. बट अब मुझे लगता है कि उनका भी पेट भर गया है कि हाँ यार हो गया, अभी व्हाट नेक्स्ट. एंड अगेन सल्यूट टू द ऑडियंसेस, बिकॉज If you don't like such, you know, Gandhi Baat was such a success because people liked it. And if 100 other makers after that were making series like Gandhi Baat, is because it did such roaring business. So when logon ka taste change hoga, content jo bana rahe hain, wo different serve karenge. So it is demand and supply. So once you start accepting different content, jisme kuch bhi aisa nahi, sirf kahani hai. तो वैसे ही कंटेंट और बनेगा. सो वही स्टेज पे मैम कंटेंट की अगर बात कर ले तो एक विलेन रिटेन फिल्म की काफी चर्चा, हे भगवान मैंने नहीं देखी है. कुछ आपने ये फिल्म देखी है, लोग काफी पसंद कर रहे हैं, अर्जुन कपूर हो, एकता मैम की काफी तारीफ हो रही, क्या कहना चाहोगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ मैंने ट्रेलर्स देखे हैं एंड अर्जुन कपूर इज लुकिंग हॉट. गाने बहुत अच्छे हैं. दिशा की भी काफी बात हो रही है. मैं इतना ही बोल पाऊंगी दैट पूरे ट्रेलर में सोचो मुझे एक ही इंसान रजिस्टर हुआ एंड दैट वाज अर्जुन कपूर. ही इज़ लुकिंग सो गुड एंड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम ही इज़ डन अ फिल्म. दिशा ने काफ़ी फिल्में बीच में की हैं बट अर्जुन बहुत टाइम के बाद मैंने उनको देखा एंड ही डिजर्व्स अ मेंशन. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. मैम लुक या मैम यहाँ पे मैम लुक या यहाँ पे मैम मैम ऑन सेंटर मैम लुक दिस साइड मैम दिस कैमरा या मैम मैम सेंटर इसका नाम ही भूल जाता हूँ. बाबू बाबू पूरा फ्रेम में आ रहा. अरे मैम लुक योर लुक दिस कैमरा मैम लुक योर वेट होल्ड इवेंट दिनेश आधार काट के फेंक दे. डन डन थैंक यू मैम बाय बाय. तो हम हमारा जरा कोने ठेला थे अभी ये दिस कैमरा या अंधेरे में है ना अंधेरे में है ना कैमरा भी नहीं लिखा है यार मेरे ऑफिस में ये कैमरा.